तो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज का अपना टॉपिक है स्क्रीनिंग ऑफ यूरिन फॉर इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। स्क्रीनिंग से क्या समझते हैं? स्क्रीनिंग इज डन बिफोर द डायग्नोसिस, इट इज नॉट द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर डिजीज, इट इज डन बिफोर द डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज या कंडीशन जो भी है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म? इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म कंप्राइजेज ए ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर इन विच ए सिंगल जीन डिफेक्ट कॉजेज ए क्लिनिकली सिग्निफिकेंट ब्लॉक इन द मेटाबॉलिक पाथवे। अगर अपने एंजाइम को सिंथेसिस करने वाला जीन ही डेफिशियंट है तो एंजाइम का अपना सिंथेसिस नहीं होगा। आप लोगों ने मेटाबॉलिक पाथवे पढ़े थे, हर एक रिएक्शन के लिए एक एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है। अगर वो एंजाइम ही डेफिशियंट है, एंजाइम ही प्रेजेंट नहीं है अपने, तो वो रिएक्शन होगी या नहीं? नहीं होगी। तो उसके रिजल्ट क्या होंगे? प्रोडक्ट की डेफिशिएंसी हो जाएगी, सब्सट्रेट क्या हो जाएगा? एक्यूमुलेट हो जाएगा। जब सब्सट्रेट एक्यूमुलेट होगा, इंक्रीज होगा, तो वो क्या होगा? अल्टरनेटिव पाथवेज में जाएगा, उससे अदर चीजेस फॉर्मेशन होंगी। जैसे ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में? ए एंजाइम की प्रेजेंस में। बी कन्वर्ट हो रहा है सी में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम बी। सी कन्वर्ट हो रहा है डी में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सी। अगर एंजाइम सी डिफेक्टिव है, डेफिशिएंसी है एंजाइम सी की, तो सी कन्वर्ट होगा डी में या नहीं? नहीं होगा। डी की क्या हो जाएगी? डेफिशिएंसी हो जाएगी। सी क्या हो जाएगा? बॉडी में एक्युमुलेट हो जाएगा, देन इट टर्न्स इन अल्टरनेटिव पाथवेज। सस्पेक्टेड मैनिफेस्टेशन चिल्ड्रन विद सीजर, रिकरेंट वॉमिटिंग, एबनॉर्मल स्मेल ऑफ यूरिन, हिस्ट्री ऑफ इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, चाइल्ड बॉर्न विद इनलार्ज ऑर्गन लाइक हार्ट, लीवर, स्प्लीन, एबनॉर्मल फेशियल फीचर्स एंड हाइपोग्लाइसेमिया एंड हाइपरएमोनेमिया। अब मेटाबॉलिक स्क्रीन के लिए कौन कौन से टेस्ट कराएंगे हम? सीबीसी, एबीजी। अच्छा, एबीजी की फुल फॉर्म क्या है? एबीजी सबसे पहले इमरजेंसी में एबीजी ही कराते हैं। एबीजी की फुल फॉर्म क्या है? आर्टेरियल ब्लड गैस। अच्छा, ए से कुछ बना लिया, बी से कुछ और जी से कुछ। कुछ कुछ सही था पर पूरा नहीं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट, एलएफटी, आरएफटी, ब्लड ग्लूकोज, लैक्टेट, अमोनिया लेवल एंड यूरिन में शुगर्स एंड कीटोन बॉडीज। कीटोन बॉडीज का टेस्ट अभी आपने किया ही है, शुगर एंड कीटोन बॉडीज का, और बी बैच को तो बहुत अच्छे से याद भी हो गया होगा। बी बैच वालों को पता होगा क्यों बोल रही हूं मैं। बी बैच वालों को तो बहुत अच्छे से याद भी हो गया होगा ये सारे टेस्ट। कीटोन बॉडीज कौन कौन सी है? अच्छा ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट वन इज फिनाइल कीटोनूरिया। फिनाइल कीटोनूरिया अभी अभी आपने पढ़ा भी होगा, किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है? फिनाइल कीटोनूरिया किसकी डेफिशिएंसी से होता है? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज। क्या होगा उससे? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम डेफिशिएंट होगा तो क्या होगा उससे? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी तो फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। फिनाइल एलेनिन ब्लड में एक्यूमुलेट होगा, एक्सक्रिएट होगा यूरिन में। इंसिडेंस इज अबाउट 1 in 10,000 न्यूबॉर्न। इंसिडेंस का मतलब क्या है? इंसिडेंस से क्या समझते हो आप? इंसिडेंस, प्रीविलेंस। बहुत पढ़ते हैं हम इंसिडेंस। इंसिडेंस क्या मतलब है? इंसिडेंस एंड प्रीविलेंस से, इंसिडेंस मतलब टोटल न्यू केसेस इन ड्यूरिंग टाइम पीरियड, न्यू केसेस। एंड सेकंड टर्म आती है प्रीविलेंस। प्रीविलेंस आती है टोटल केसेस ड्यूरिंग टाइम पीरियड। आपको टाइम पीरियड दिया गया, आज कोई भी डिजीज आज मुझे हुई है, 2-4 लोगों को, 10 लोगों को मान लो, ठीक है, ये क्या है उसका? प्रीविलेंस।
2 महीने बाद किसी और को हुई, तो टोटल 10, आज 10 है, कल कितने हुए 12, तो ये क्या है 12, तो क्या है उसका पूरा प्रीविलेंस। और न्यू केसेस कितने आए 2, वो क्या है उसका इंसिडेंस। द नेक्स्ट वन इज वेरियंट ऑफ PKU फिनाइलक्यूटोनूरिया। मोस्टली फिनाइलक्यूटोनूरिया इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, इन सम टाइम इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ डाइहाइड्रोबायोपेट्रिन रिडक्टेज। आपने देखा होगा फिनाइलएलेनिन टायरोसिन में जब कन्वर्ट होता है कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में हो रहा है, फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, और वहां पे क्या प्रेजेंट होता है टेट्रा हाइड्रोबायोपेट्रिन जो कन्वर्ट होता है डाइहाइड्रोबायोपेट्रिन में। डाइहाइड्रोबायोपेट्रिन वापस से टेट्रा हाइड्रोबायोपेट्रिन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अगर कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में डाइहाइड्रोबायोपेट्रिन रिडक्टेज की एंजाइम की प्रेजेंस में, अगर डाइहाइड्रोबायोपेट्रिन एंजाइम डेफिशिएंट हो गया तो भी फिनाइलकीटोनूरिया हो जाएगा। फिनाइलएलेनिन टायरोसिन में अगर कन्वर्ट नहीं होगा टायरोसिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, टायरोसिन क्या बन जाएगा अपना एसेंशियल अमाइनो एसिड। हमें पता है टायरोसिन की डेफिशिएंसी होगी तो टायरोसिन की मेटाबॉलिज्म में हम पढ़ते हैं टायरोसिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ डोपामाइन एपिनेफ्रिन मिलानिन। टायरोसिन की डेफिशिएंसी होगी तो थायराइड हार्मोन डोपामाइन एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन की भी डेफिशिएंसी हो जाएगी। जब फिनाइलएलेनिन इंक्रीज होगा इट इज कन्वर्टेड इनटू अल्टरनेटिव पाथवेज फॉर्म फिनाइल पाइरुवेट, फिनाइल लैक्टेट एंड फिनाइल एसीटेट। देयर आर टू फॉर्म्स क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, मेंटल रिटार्डेशन, सीजर, माउथी ऑर्डर ऑफ द यूरिन एंड स्वेट ड्यू टू फिनाइल लैक्टेट, हाइपोपिगमेंटेशन। हाइपोपिगमेंटेशन क्यों होगा कोई बता सकता है कि अभी आप लोगों ने पढ़ा है, मेलानिन डेफिशिएंट हो जाएगा क्योंकि टायरोसिन डेफिशिएंट हो रहा है तो क्या होगा हाइपोपिगमेंटेशन। देयर आर सम स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर फिनाइलकीटोनूरिया, द फर्स्ट वन इज फेरिक क्लोराइड टेस्ट। इन फेरिक क्लोराइड टेस्ट टेक 5 ml ऑफ यूरिन सैंपल, देन एड 2 to 4 ड्रॉप्स ऑफ फेरिक क्लोराइड रिएजेंट। द कलर इज ग्रीनिश ब्लू कलर, आप देख सकते हो, ठीक है। बट दैट टेस्ट इज नॉट स्पेसिफिक फॉर डिटेक्शन बिकॉज इन सम अदर कंडीशन इट इज ऑल्सो पॉजिटिव। द नेक्स्ट वन इज गुथरी टेस्ट। इन गुथरी टेस्ट द बैक्टीरिया बेसिलस सबटिलिस इज यूज, बैक्टीरिया बेसिलस फॉर ग्रोथ आर यूज फिनाइलएलेनिन, द एंटागोनिस्ट आर यूज, देन द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया आर स्टॉप। The next one is DNTH test. 2 ml of urine are used. Take 2 ml of urine. Then add some amount of DNTH reagent. After 10 minutes, yellow color precipitate are appear. The next one is L-captonuria. L-captonuria is due to the deficiency of... सामने लिखा हुआ है। L-captonuria is due to the deficiency of homogenitate oxidase. इसको L-captonuria क्यों बोलते हैं इसको L-captonuria? In L-captonuria, homogenitate oxidase is enzyme deficient. So homogenitate is accumulated in the body and excreted in urine. Homogenitate is converted to benzoquinone acetate, then form L-captone bodies. इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं L-captonuria. किसका formation होगा यहाँ पर L-captone bodies का, that is accumulate in the connective tissue, bones, sclera, eye, and form ochronosis. On exposure of urine to atmospheric oxygen, it is polymerized into a brownish black colored pigment. So the urine turns after some time. This is the most common complaint of the patient. In later stages of the disease, the pigment is deposited in many tissues, including eye, sclera, ear, heart, and bones. Arthritis is the most common complaint besides the turning of urine to black on standing. So इसको अपन कौन सी disease भी बोलते हैं? Black urine disease. क्यों होगा ब्लैक कलर?
क्यों कलर ब्लैक होगा यूरिन का? पॉलीमराइजेशन होगा, उससे क्या होगा? यू कैन सी नॉर्मल यूरिन एंड यूरिन ऑफ एल्केप्टोनूरिया पेशेंट। स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर एल्केप्टोनूरिया बेनेडिक्ट टेस्ट बिकॉज होमोजेंटिसेट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट शोज ब्राउन कलर। फेरिक्लोराइड टेस्ट ऑल्सो पॉजिटिव शोज ब्लैक कलर। इन सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट गिव्स इमीडिएट ब्लैक कलर। बैम्बू लाइक एप्रियंस इज ऑल्सो शोन इन एक्सरे लंबर स्पाइन। डायग्नोस्टिक कंफर्मेटरी टेस्ट क्रोमेटोग्राफी डिटेक्शन और एंजाइमेटिक एस्टिमेशन ऑफ होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज लेवल्स इन ब्लड आर मिनिमली हायर बिकॉज होमोजेंटिसिक एसिड इज रैपिडली एक्सक्रीटेड इन यूरिन सो बोथ शुड बी एनालाइज। नेक्स्ट वन इज बेपर सीरप यूरिन डिजीज। किसमें पढ़ते हैं हम? मैपल सिरप यूरिन डिजीज किस में पढ़ते हैं? नहीं, मैं तो पैथो में पढ़ती हूँ। किस में पढ़ते हैं? कहाँ पढ़ा था मैपल सिरप यूरिन डिजीज? इट इज अ डिसऑर्डर ऑफ ब्रांच इंड अमाइनो एसिड। कौन कौन से होते हैं? सामने लिखे हुए हैं फिर भी आंसर नहीं कर पा रहे हो। वैलिन ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन। इट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज। जो अपने ब्रांच एंड अमाइनो एसिड है वो ट्रांसफरेज एंजाइम के प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट होते हैं? रेस्पेक्टिव अल्फा कीटो एसिड। एंड रेस्पेक्टिव अल्फा कीटो एसिड अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट होते हैं? एसआई कोएंजाइम में, थायोएस्टर्स में। अगर अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम डेफिशिएंट होगा तो क्या होगा? उनके जो रेस्पेक्टिव अल्फा कीटो एसिड्स हैं वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे बॉडी में। प्लाज्मा एंड यूरिनरी लेवल्स ऑफ वैलिन ल्यूसिन आइसोल्यूसिन एंड देयर रेस्पेक्टिव अल्फा कीटो एसिड्स आर रेज। स्मेल ऑफ मैपल सिरप इन यूरिन ड्यू टू अल्फा कीटो एसिड। द स्क्रीनिंग टेस्ट आर गुथरीज टेस्ट फेरिक क्लोराइड टेस्ट शोज ग्रीनिश ग्रे कलर एंड डीएनटीएस टेस्ट इज ऑल्सो पॉजिटिव। नेक्स्ट वन इज होमोसिस्टिनूरिया। किस में पढ़ते हैं? अच्छा, ये क्वेश्चन सबसे पूछा गया था वाइवा में। सिस्टीन एंड सिस्टाइन में क्या डिफरेंस है? सिस्टीन एंड सिस्टाइन में क्या डिफरेंस है? सिस्टीन एंड सिस्टाइन में क्या डिफरेंस है? बहुत से लोगों ने आंसर किया था मीनिंग में एक ही ज्यादा होता है। इट इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ मिथियोनिन। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सक्रिएशन ऑफ होमोसिस्टीन इन द यूरिन। हाउएवर इन द ब्लड होमोसिस्टीन होमोसिस्टाइन एंड मिथियोनिन ऑल एक्यूमुलेट। द एंजाइम सिस्टाथायोनिन सिंथेसिस इज डेफिशियंट। मिथियोनिन से किसका फॉर्मेशन होता है? सैम सेट एंड होम्योसिस्टीन। देन होम्योसिस्टीन आर कन्वर्टेड टू बैट मिथियोनिन एंड अल्टरनेटिव पाथवेज। उससे किसका फॉर्मेशन होगा होम्योसिस्टीन से? सिस्टीन का। पाइरोक्सिन। होम्योसिस्टीन से जब सिस्टीन का फॉर्मेशन होता है वहां पर कौन सा एंजाइम सॉरी विटामिन होता है अपना? विटामिन B6। अगर विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो भी होम्योसिस्टिनूरिया होगा। साइनाइन हाइड्रोक्साइड टेस्ट। इट इज ए स्क्रीनिंग टेस्ट। यूरिन इज मेड एल्कलाइन विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम साइनाइड इज एडेड। सिस्टीन इज प्रेजेंट इज रिड्यूस टू सिस्टाइन। देन एड सोडियम नाइट्रोक्साइड टू गेट ए मैजेंटा रेड कलर्ड कॉम्प्लेक्स। स्पेसिफिक अमाइनो एसिडूरिया मेड बी कंफर्म्ड बाय क्रोमेटोग्राफी। B6 PD डेफिशिएंसी कहां पढ़ा आपने? G6PD डेफिशिएंसी कहां पढ़ा आपने? HMP शंट का फर्स्ट स्टेप है। G6PD की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा? HMP शंट की क्या सिग्निफिकेंस है कोई मुझे बताएगा? NADPH का फॉर्मेशन। अच्छा, अगर G6PD की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा? लिखा हुआ अभी है सामने।
जी सिक्स पीडी की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा? ग्लूटाथायोन का क्या नहीं होगा? रिडक्शन नहीं होगा। और ग्लूटाथायोन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? सॉरी, ग्लूटाथायोन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? आरबीसी की मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी के लिए। जी सिक्स पीडी की डेफिशिएंसी होगी तो ग्लूटाथायोन का रिडक्शन नहीं होगा, जो कि रेस्पॉन्सिबल है आरबीसी की इंटीग्रिटी के लिए। एंड फ्री रेडिकल्स का नाम सुना है? फ्री रेडिकल्स का नाम सुना है? ग्लूटाथायोन इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर स्कैवेंजिंग ऑफ फ्री रेडिकल। जी सिक्स पीडी डेफिशियंसी इज एक्स लिंक डिसऑर्डर। इट कॉज ऑक्सीडेटिव डैमेज टू आरबीसी कॉजिंग देयर हीमोलाइसिस रिजल्टिंग एनीमिया। इट इज प्रेसिपिटेड बाय मेनी ड्रग्स लाइक सल्फोनामाइड, क्लोरोक्वीन एंड प्रीमाक्वीन। द टेस्ट इज बर्नस्टीन मेथड टेस्ट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज इज कन्वर्टेड टू 6 फॉस्फो ग्लूकोनोलैक्टोन, देन एडेड आइडोफिनोल डाई प्लस एनएडीपीएच इन द प्रेजेंस ऑफ फिनाजिन मेथोड सल्फेट एंड कन्वर्टेड टू एनएडीपीएच। इन नॉर्मल कंडीशन टेक 30 मिनट एंड जीसिक्स पीडी डेफिशियंसी टेक मोर देन 2 आवर्स। द नेक्स्ट वन इज मिथाइलिन ब्लू रिडक्शन मेथड। इट इज डन इन ब्लड। The hemoglobin is converted to methyl hemoglobin in the sodium nitric acid, then back converted to in the presence of methylene blue. If the NADPH is deficient, then it is not converted and shows brown color. Galactosemia. कहाँ पढ़ते हैं? Galactosemia. Galactosemia कहाँ पढ़ते हैं? गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म में। इट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ थ्री एंजाइम्स, गैलेक्टोकाइनेज, गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिडेट ट्रांसफरेज, यूडीपी गैलेक्टोज 4 एपिमरेज। गैलेक्टोज एक्यूमुलेट्स अकर इन द ब्लड एंड ऑल्सो लीड्स टू एक्सक्रेशन इन यूरिन। इट लीड्स टू मेंटल रिटार्डेशन, हिपेटोमिगैली, जॉइंटेस, किडनी डैमेज एंड कैटरेक्ट इन आईज। Cataract occurs due to accumulation of sorbitol. It is formed by conversion of galactose to sorbitol due to accumulation. The next screening test, reducing sugar के लिए कौन सा test करेंगे? Reducing sugar के लिए कौन सा test करेंगे urine में? बाकी लोगों को कोई मतलब नहीं है। Benedict test. The next one is Butler enzyme for test. गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिडिल ट्रांसफरेज एंजाइम। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लूकोनो म्यूटेज। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड टू 6 फॉस्फो ग्लूकोनो लैक्टोन। द एनएडीपीएच इज द एब्जॉर्बेंस ऑफ रिड्यूस एनएडीपीएच आर मेजरमेंट इन द यूवी लाइट। द नेक्स्ट वन इज म्यूकोपॉलीसेक्राइडोसिस। अच्छा, म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं? इसका आंसर भी नहीं कर पाए थे वाइवा में। म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं? म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन्स, ये तो सेकंड नाम बता दिया। क्या डेफिनेशन है, कौन कौन से पढ़ते हैं हम म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स में? हाइलुरोनिक एसिड है, तीन तो सामने ही लिखे हुए हैं। डार्मेटन सल्फेट, किरेटन सल्फेट एंड हेपेरिन। डेफिशियंसी ऑफ ए ग्रुप ऑफ एंजाइम विच डिग्रेड 3 क्लासेस ऑफ म्यूकोपॉलीसेक्राइड, डार्मेटन, किरेटन एंड हेपेरिन सल्फेट, एक्सक्रिएशन ऑफ एक्सेस म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स इन द यूरिन। स्क्रीनिंग टेस्ट इज एलशियन ब्लू स्पॉट टेस्ट। 10 ml ऑफ यूरिन इज ड्राइड ऑन फिल्टर पेपर एंड एलशियन ब्लू इज एडेड। यूरिन अपीयर्स एज ए ब्लू स्पॉट ऑन ए व्हाइट बैकग्राउंड। नेक्स्ट वन इज पोरफायरिन डिसऑर्डर।
व्हाट इज पोरफायरियास? पोरफायरियास, पोरफायरियास पता है पिछली बार इस पे क्वेश्चन आया था और बहुत से लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया था, 70% बच्चों ने। पोरफायरिन इज अ कॉम्प्लेक्स साइक्लिक सब्सटेंस इंटरमीडिएट इन द बायोसिंथेसिस पाथवे ऑफ हीम। पोरफायरिन डिफर इन द साइड चेन प्रेजेंट एट द 8 अवेलेबल पोजीशन ऑफ द पायरोल रिंग। मेजर साइट फॉर पोरफायरिन प्रोडक्शन आर बोन मैरो, इंटरमीडिएट्स इन द सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन, लीवर एंड अदर टिश्यूज, प्रोड्यूसेस इंटरमीडिएट फॉर अदर हीम प्रोटीन्स लाइक मायोग्लोबिन। पोरफायरिन कैन बी सीन एलिवेटेड इन यूरिन, फीसेस एंड ब्लड। पोर्फोबिलिनोजन एंड पोरफायरिनोजन आर कलरलेस नॉन फ्लोरोसेंट सब्सटेंसेस। ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ द पोरफायरिन्स हैव रेड पिगमेंट अंडर द माइक्रोस्कोप। यूरिन आर पोर्ट वाइन या बरगंडी कलर। कॉमन मेथड फॉर सेपरेटिंग इंडिविजुअल पोरफायरिन आर HPLC। HPLC की क्लास हो गई आप लोगों की, क्रोमेटोग्राफी की तो हो गई है ना। देर आर सम पोरफायरिन्स। नेक्स्ट वन इज लेश्नियान सिंड्रोम। कहाँ पढ़ते हैं हम? मेटाबॉलिज्म हो चुके हैं ना आप लोगों के सारे। कहाँ पढ़ा है लेश्नियान सिंड्रोम? कहाँ पढ़ा है? न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म में नहीं पढ़ा? हुआ नहीं अभी? जैसे जो हो गए वो बड़े आंसर कर दिए हैं। लेश्नियान सिंड्रोम इनहेरिटेड सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। मैसिव एक्सक्रीशन ऑफ यूरिनरी यूरिक एसिड क्रिस्टल। एंजाइम डेफिशिएंट इज SGPRT। सीवियर मोटर डिफेक्ट, मेंटल रिटार्डेशन, टेंडेंसी टू बार सेल्फ डिस्ट्रक्शन, गाउट एंड रीनल कैल्कुलाई। डायग्नोसिस नॉर्मल डेवलपमेंट फॉर द फर्स्ट 6 to 8 months। फर्स्ट साइन यूरिक एसिड क्रिस्टल रिजेंबलिंग ऑरेंज सैंड। इंक्रीज यूरिक एसिड क्रिस्टल इन पीडियाटिक यूरिन स्पेसिमेन।